हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 बीटा 2.1 के बारे में। रिसेंटली दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एंड्रॉयड 12 का बीटा 2 का रिव्यू किया था। एंड अभी देखते देखते दोस्तों, जो बीटा 2.1 है रिलीज हो चुका है गूगल की तरफ से। एंड वो दोस्तों अपने रेडमी नोट 7 लेवेंडर के लिए भी अवेलेबल हो गया है। सो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 12 का जो बीटा 2.1 है पिक्सल 5 का पोर्ट रॉम है वो अवेलेबल हो गया है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 12 का बीटा 2.1 के साथ हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। एंड सबसे पहले चलते हैं आपका यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के अंदर एंड्रॉयड एस है। अभी तक जो एंड्रॉयड 12 का स्टार एग है वो अभी तक नहीं आया है। 5th जून 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है अपने रेडमी नोट 7 के अंदर, इस बार रॉकेट कर्नल यूज किया गया है मून एक्स R3.6 को। एंड यहाँ पर जो 2.1 है इसके अंदर मेनली दोस्तों जो बग्स हमें देखने को मिला था बीटा 2 के अंदर उसे ही फिक्स करके दिया गया है। एंड जो काफी बढ़िया बात है, एंड बहुत ही जल्दी जल्दी गूगल ने जो है बीटा का 2.1 को रिलीज कर दिया है एंड काफी बढ़िया है। एंड क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड 12 के अंदर, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत से वीडियो बना चुका हूँ, तो सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एंड्रॉयड 12 का बीटा 2.1 है इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों, पिक्सल 5 से लिया गया है अपने रेडमी नोट 7 के अंदर। सो गूगल का जो पिक्सल 5 है उसके अंदर जो जो फीचर्स है सभी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट सभी काम नहीं करेगा ऑफकोर्स। पिक्सल 5 से यहाँ पर रेडमी नोट 7 के लिए सपोर्ट किया गया है सेमी GSI वाला पोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। ये जो 2.1 का बिल्ड आया है एंड्रॉयड 12 का बीटा का, इसके अंदर जो लैग है उसे फिक्स करके दिया गया है, जो लैग है उसे रिड्यूस किया गया है। एज वेल जो शटर हमें देखने को मिलता था, लैग एंड शटर उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर जो पिक्सल स्टब्स हमें देखने को मिलता था वो दोस्तों लास्ट बिल्ड के अंदर नहीं था, उसे ऐड करके दिया गया है। जो मिसिंग पिक्सल स्टब्स था वो भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो हमें वॉल्टी है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अभी आपको जो वॉल्टी है आपका जियो या एयरटेल सभी के ऊपर काम करेगा, जो काफी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो चलो मैं सबको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से होगे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नीचे यहाँ पर बड़ा जो स्पेस है हम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्पेस है इससे आपको अगर बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा सिस्टम के अंदर, देन आपको लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज एंड इनपुट में जाने के बाद आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जाना होगा। देन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा जीबोर्ड के अंदर, देन प्रेफरेंस के अंदर, देन कीबोर्ड हाइट करके जो आपको देखने को मिलेगा इसे आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट कर देना होगा। एंड देखते हैं ये काम करते नहीं, एंड ओके यहाँ पर फिर भी उसको काम नहीं करता है। सो बेसिकली ये जो स्पेस है यहाँ पर इसे आपको हाइड करने के लिए ये जो कीबोर्ड शॉर्ट इसे आपको अप्लाई करना होगा एंड उसके बाद रिमूव करना होगा। उसके बाद ये जो हाइट है मतलब ये जो बार आप देख पाओगे स्पेस बार, मतलब इतना जो स्पेस है उसको हट जाना चाहिए। एंड ये चीज हम कर सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट दोस्तों, आपको अगर आप जो मीडिया प्लेबैक करने के दौरान अगर कोई वीडियो को प्ले करते हो तो दोस्तों अगर आपको शटर देखने को मिल रहा है, मतलब लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर जो आपको गूगल का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इस गूगल का एप्लीकेशन के अंदर आपको जो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो हे गूगल है, हे गूगल है इसे आपको डिसेबल कर देना होगा। और अगर आप चाहो तो जो गूगल का जो डेटा है उसे भी क्लियर कर सकते हो। एंड जो रैम है उसे फ्री कीजिए एंड बैटरी लाइफ को भी खींचे, तभी दोस्तों आपको जो वीडियो के अंदर लैग है वो फिक्स होगा, जो कि एक बुरी बात है क्योंकि नॉर्मल वीडियो प्लेबैक के दौरान आपको लैग देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको एंड्रॉयड 12 के देखने को मिलेगा। नाउ दोस्तों एंड्रॉयड 12 के अंदर जो बीटा 2.1 आया है इसके अंदर कुछ कुछ इशू है जो कि डेली लाइफ के अंदर हमें देखने को मिला है, मतलब कुछ कुछ इशू हमें देखने को मिला था लास्ट बीटा 2 के अंदर जो कि 2.1 के अंदर फिक्स कर दिया गया है, जो कि आप डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक लॉक स्क्रीन के अंदर हमें इशू देखने को मिला था। लॉक स्क्रीन के अंदर दोस्तों अगर आप स्वाइप अप करते थे तो जो नोटिफिकेशन पैनल है उससे हम नहीं एक्सेस कर पाते थे। एज वेल दोस्तों जो अपना लॉक पिन पैटर्न है वो भी हम नहीं डाल पाते थे, उसे फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एट ग्लेंस है इसके अंदर हमें जो अपना कैलेंडर एंड जो अपना क्या कहते हैं भाई सब
अपना वेदर इवेंट है वो नहीं दिखा रहा था एड क्लेस के अंदर, इसे भी फिक्स करके दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना कुछ उस टाइम फ्री टेरिंग एंड जीटर्स देखने को मिलता था एनिमेशन के अंदर, जब भी आप भी रिसेंट पैनल को ओपन करते थे एंड अगर आप गेस्टर्स यूज करते थे, इसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड नेक्स्ट और एक छोटा सा अपडेट हमें देने को मिला है वो दोस्तों आपका माइक्रोफोन एंड कैमरे का जो परमिशन का इंडिकेटर है उसको स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के अंदर जो अपना इंडिकेटर है वो हमें देने को मिलता है, मतलब कैमरा अगर यूज करोगे तो ऊपर आपको कैमरा का इंडिकेटर आएगा, माइक्रोफोन का इंडिकेटर आएगा। तो जो कैमरा एंड माइक्रोफोन का इंडिकेटर है स्टक हो जाता था, जब तक आप रिबूट नहीं करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है फिक्स नहीं होता था। इसको भी फिक्स करके दिया गया इस बिल्ड के अंदर, जो काफी बढ़िया बात है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा आपको बीटा 2.1 के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस देने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों ये जो अपडेट है एक मेजर अपडेट नहीं है। जो बीटा 2 आया उसके अंदर जो जो बग्स था उसे फिक्स करने के लिए जो 2.1 का जो अपडेट है इसे दिया गया है। एंड डेफिनेटली इसे आपको अपने रेडमी नोट 7 के अंदर ट्राई करके देखना चाहिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा एंड्रॉइड 12 का बीटा 2.1 का, एंड उसे आपको ट्राई करके देखना चाहिए। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट देखना चाहूंगा जो कि मैंने रेडमी नोट 7 से लिया है, एंड जो परफॉर्मेंस से इस रॉम का कैसा परफॉर्मेंस देने को मिलता है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर जैसे कि यहाँ पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पर 3D Mark है। 3D Mark के अंदर हमें 349 देखने को मिल गया है एंड 349 के साथ साथ जो FPS है 2.10 आया है, जो कि ठीक ठाक से हमें देखने को मिला है। सिंगल कोर की अगर बात करो 322 हमें देखने को मिल गया है एंड मल्टी कोर के अंदर 1176 देखने को मिला है। गूगल पिक्सल 5 लिखा गया है। एंड अगर स्कोर की बात करो दोस्तों यहाँ पर जो गीक बेंच का भी स्कोर देखने को मिला है काफी कम देखने को मिला है, ऐसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो स्कोर है इससे ज्यादा डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए था, जो स्कोर है काफी कम है। सिंगल कोर का तो परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस है एकदम बुरा है, इससे ज्यादा हमें रेडमी नोट 7 के अंदर देखना चाहिए था। सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट भी हमने रन किया था लगभग 7 मिनट के लिए, 119 आया है मैक्स एवरेज है 103, मिनिमम है 82% का यहाँ पर मैक्स थ्रोटलिंग हुआ है एंड जो सीपीयू 2.20 तक जाया गया था। बट यहाँ पर अब परफॉर्मेंस में देखो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सो ये जो कर्नल है रॉकेट कर्नल है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, आपको अगर पावरफुल कर्नल को यूज करना है तो पीडिएटर स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल को यूज कीजिए इस रॉम के साथ, तो आपको और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने को डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर बात करूँ सेपरेट की तो हमने यहाँ पर मैजिस को नहीं डाला है, मैजिस को नहीं डालने के कारण मैजिस को हमने हाइड नहीं कर पाया, इसलिए जो सेपरेट है पर फेल हो गया है। सो अगर आप रूट नहीं करते तो अपने एंड्रॉइड 12 को तो आप दोस्तों जो सेपरेट है वो पास नहीं होगा, जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम नहीं करेगा, तो ये सभी चीज हमें देखने को मिल जाती है। एनीवे दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड अगर बात करूँ दोस्तों कैमरा टू पे की तो कैमरा टू पे के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। आप यहाँ पर जो गूगल कैमरा है उसे भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर गूगल कैमरा गो दिखा रहा हूँ, देखो गूगल कैमरा गो भी काम कर रहा है, जो स्टॉक गूगल कैमरा वो भी काम करता है। इस तरह से हमें इंडिकेटर देखने को मिलता था, ये जो इंडिकेटर है लास्ट बिल्ड के अंदर स्टक हो जा रहा था, जो कि आपको इस बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है। भाई साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, जो एंड्रॉइड 12 का बीटा 2.1 है और इवन जो बीटा 2 था वो काफी ज्यादा स्टेबल हो गया था एंड डेली लाइफ के अंदर आप आराम से यूज कर पाओगे। सो अगर आप एंड्रॉइड 12 का स्टेबल होने की वेट कर रहे हो तो भाई साहब वेट करना आप छोड़ दो, क्योंकि जो बीटा 2.1 आया है वो काफी स्टेबल है, डेली लाइफ के अंदर आराम से यूज कर सकते हो। वॉल्टी वो वाईफाई ब्लूटूथ कैमरा सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी बात नहीं है। इवन ये जो एंड्रॉइड 12 का बीटा 2.1 है इसमें एज ए डेली ड्राइवर आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो कॉलिंग काम करता है, वॉल्टी काम करता है, वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ काम करता है। हाँ अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए जो कर्नल है उसे आपको चेंज करना होगा, दूसरा कोई कर्नल को ट्राई कीजिए, पीडिएटर स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल को ट्राई कीजिए, वो काफी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा फॉर श्योर। एंड अगर बात करें दोस्तों इस रॉम के अंदर इस बैटरी बैकअप कैसा है, तो बैटरी बैकअप भाई सब बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो कर्नल है फुल पावर में जो है काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको बैटरी बैकअप काफी बढ़िया देने को मिलता है, कोई भी इशू वाली बात नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो। एंड एंड्रॉइड 12 का जितने भी फीचर्स है सभी यहाँ पर हमें देने को मिल जाती है। डेफिनेटली ये जो एंड्रॉइड 12 का बीटा 2.1 है बहुत ही लाजवाब से ऑप्टिमाइज किया गया है अपने रेडमी नोट 7 के लिए, डेवलपर ने काफी बढ़िया काम किया है। आपको मालूम ही नहीं चलेगा दोस्तों एक SAVGA पोर्ट है, क्योंकि इतना स्टेबल है एंड कोई भी आपको एरर मैसेज कोई भी लैग हैग एकदम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात है अगर बात करें फिंगरप्रिंट की, तो देखो टैप किया
अनलॉक हो गया। सो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर रहा है यहाँ पर, और क्या आपको क्या चाहिए। इवन जो आपका फेस अनलॉक है वो भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। कहाँ पर गया भाई सब पासवर्ड ओके सिक्योरिटी के अंदर। तो जो फेस अनलॉक है अभी फिलहाल नहीं है, बट अभी फिलहाल आपको फिंगरप्रिंट देने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो डेफिनेटली तो ये जो आपका रॉम है और ये जो बिल्ड है आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके अपने रेवनोट 7 के अंदर आप टीएलडी क्विक से फ्लैश कर दीजिए। मेक श्योर करना आप पूरा डाटा का बैकअप ले लो इस रॉम को फ्लैश करने से पहले, क्योंकि इस रॉम को फ्लैश करने के लिए आपको फॉर्मा डेटा करना होगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।